हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं बेसल फंक्शन के जो रिकरेंस रिलेशंस हैं वो मैं आपके सामने अभी लेके आने वाला हूं। और स्टूडेंट, जो ये टॉपिक है ये सीरीज सॉल्यूशन का पार्ट है और सीरीज सॉल्यूशन पे मेरे जो पुराने वीडियोज हैं लाइक जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है उसका सीरीज सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पे लाइक फ्रॉबनेस मैथड है देन और भी अलग अलग मैथड से वो सब मैंने आपके सामने डिस्कस किया। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो IIT-JAM है यहाँ पे मेरे पुराने वीडियोज देख सकते हैं और स्टूडेंट मेरी जो ये प्ले लिस्ट है लाइक यहाँ यहाँ पे जाके मेरी जो पुरानी प्लेलिस्ट है लाइक जितने भी वीडियोस हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc और भी अलग अलग टॉपिक पे यहाँ वीडियोस हैं। सो ये सभी प्लेलिस्ट आप एक बार जाके देख ले अगर आपको कोई टॉपिक देखने में दिक्कत आ रही है। और स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि स्पेशल फंक्शन के अंदर दो टॉपिक है, वन इज द बेसल फंक्शन एंड सेकेंड वन इज द लीजेंडरी। सो बेसल फंक्शन के अंदर नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो रिकरेंस रिलेशन पे बेस्ड होते हैं या फिर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हम लोग ये सब वन आपके सामने लेके आने वाले हैं। सो देखिए यहां पे जो हमारे पास रिकरेंस रिलेशन ऑफ फॉर द बेसल फंक्शन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने लेने वाला हूं, पर मैं थोड़ा सा आपको जो बैकग्राउंड है वो समझा देता हूं कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस, ये हमारी जो इक्वेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, बेसल इक्वेशन बोलते हैं, है ना। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को ये मैं बता चुका हूं मेरे पुराने वीडियोस में, आप देख सकते हैं, इट्स कॉल्ड बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन या इसको हम बेसल इक्वेशन भी बोलते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस बेसल इक्वेशन, इस बेसल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो ये होता है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है जहां पर ये जो जेन एक्स होता है ये सीरीज की फॉर्म में होता है, पर इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक क्या होता है, जेन एक्स इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस वन एक्स बाई टू एन पावर एन प्लस टू आर, और यहाँ पे अगर एन की जगह माइनस एन रखेंगे तो हमारे पास ये इसका फार्मूला आता है। सो ये सब ये इसका जो क्या होता है जनरल सॉल्यूशन होता है, और ये जो जनरल सॉल्यूशन में जो सीरीज बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, जे एन एक्स बोलते हैं। सो स्टूडेंट देखिए जो फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन है ये एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन जे एन एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन जे एन माइनस वन एक्स, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एल एच एस लेके चलेंगे इसको हम इसके बराबर प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन जेन एक्स, है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, चलो एक काम करो सबसे बेस्ट पहले इसकी जेन एक्स की वैल्यू लिखवाया है ना। सो जेन एक्स कितना होगा देखिए आप लोग, जेन एक्स का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, मैंने अभी आपके सामने बताया समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन पावर आर, है ना, यहाँ पे कितना होता है अपॉन आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस वन, है ना, एक्स बाई टू एन प्लस टू आर होगा, है ना। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, देखो x पावर n चाहिए, तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं x पावर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x पावर n को मैंने यहाँ पे दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव माइनस वन पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस आर प्लस वन, और स्टूडेंट x पावर n को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे ये x पावर n और ये n प्लस है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे x पावर 2n प्लस 2r अपॉन 2 पावर n प्लस 2r। स्टूडेंट मैंने ये जो 2 है इस 2 के ऊपर जो पावर है ना वो n प्लस 2r अलग लिख दी, और ये x पावर n इस x पावर n प्लस 2r से ऐड होगा तो ये x पावर 2n प्लस 2r हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे दोनों साइड में मैं d बाई डी एक्स लगा ही देता हूँ, है ना। सो दोनों तरफ क्या होगा ये डिफरेंशिएशन होगा, सो d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n जेन एक्स, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसमें क्या होगा ध्यान दीजिए समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव माइनस वन पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस वन, और स्टूडेंट ये क्या होगा ये इसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, सिर्फ इसी का डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे ये टू एन प्लस टू आर आगे आ जाएगा, है ना, देन ये आएगा एक्स पावर टू एन प्लस टू आर माइनस वन अपॉन टू पावर एन प्लस टू आर हो जाएगा, है ना। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा समेशन r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव माइनस वन पावर r, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा n प्लस आर, और स्टूडेंट ये जो गामा है इस गामा को हम लिख सकते हैं n प्लस आर गामा n प्लस आर। स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि लाइक अगर हमारे पास मैं यहाँ बता देता हूँ लाइक हमारे पास 5 गामा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 4 गामा 4 होती है ना, एक कम इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। 6 गामा है तो क्या होगा 5 गामा 5, राइट, तो ये लिख सकते हैं एन यहाँ पे क्या आएगा ये एक्स पावर, ये जो एक्स पावर 2n है ना तो मैं चलो इसको एक बार लिख देता हूँ 2n प्लस 2r माइनस 1 अपॉन 2 पावर n प्लस 2r। स्टूडेंट एक काम करता हूँ जो एक्स पावर 2n है इस एक्स पावर 2n को मैं एक्स पावर n को अलग निकाल देता हूँ, है ना। अब ये n प्लस r से n प्लस r क्या हो गया कैंसिल हो गया, देन ये जो एक्स पावर n है इसको हम बाहर लिखते हैं स्टूडेंट तो ये आएगा समेशन r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव माइनस वन पावर r अपॉन आर फैक्टोरियल गामा
एन प्लस आर और स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये 2 है, ये 2 नीचे जाएगा तो क्या होगा x अपॉन n प्लस 2r माइनस 1, और ये 2 नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा इसकी पावर, तो ये आएगा n प्लस 2r माइनस 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा इधर हटा के फिर मैं आपको समझाता हूँ। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये वाले टर्म को मैं इधर लिखूंगा, तो ये आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n जेन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो मैं इस टर्म को लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा x पावर n समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, माइनस 1 पावर r अपॉन क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ये आएगा r फैक्टोरियल। अब ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे कि आपको जो प्रूव करना है वो n माइनस 1 लेके आना है, तो आपको n की जगह n माइनस 1 सेट करना है, तो जहां पर भी n है वहां n माइनस 1 लिखने की कोशिश करता हूँ। तो स्टूडेंट मैं n माइनस 1 लिखता हूँ, तो अगर मुझे यहाँ n माइनस 1 लिखा तो मुझे प्लस 1 भी लिखना पड़ेगा, तभी तो ये कैंसिल होकर वापस गया होगा, गामा n प्लस 1 गामा n प्लस r आएगा ना, तो मैंने माइनस 1 प्लस 1 किया, देन यहाँ भी मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। तो देखो दोनों की पावर सेम है तो हम x बाय 2 ले सकते हैं, और ये जो माइनस 1 है इसको इसके साथ ले आते हैं इंटू 2r, बिल्कुल आप लिख सकते हैं इसको ऐसा। और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि जो जे एन एक्स का फार्मूला होता है वो कितना होता है, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 x बाई 2 n प्लस 2r। तो स्टूडेंट इसमें और इसमें क्या फ़र्क आ रहा है, बिल्कुल ये माइनस 1 पावर r गामा ये बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पे मैं n माइनस n की जगह n माइनस 1 आ रहा है, n की जगह n माइनस 1 आ रहा है, तो स्टूडेंट इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, जे एन माइनस 1 एक्स होता है। तो इस तरह से इस टाइप की क्वेश्चन को हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रूव करते हैं, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन, और इसको हम इस तरह से यहाँ पे ऐसे प्रूव करेंगे। सो नेक्स्ट मैं अगला जो रिकरेंस रिलेशन इस टाइप का एक और है वो मैं आपके सामने लूंगा, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक और रिकरेंस रिलेशन आपको प्रूव करना है सेकंड। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जे एन एक्स का जो फार्मूला होता है वो लिखेंगे, समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1, ये आएगा आपके पास x बाय 2 n प्लस 2r। स्टूडेंट आपको ये रिकरेंस रिलेशन प्रूव करना है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस n था, इस क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस x पावर माइनस n है, वहाँ पे n माइनस 1 हो रहा था, यहाँ पे n प्लस 1 हो जाएगा, ये आपको प्रूव करना है। तो हम जे एन एक्स लेके चलेंगे, देन दोनों तरफ क्या करेंगे स्टूडेंट, x पावर माइनस n को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x पावर माइनस n को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर r r फैक्टोरियल गामा n प्लस आर प्लस 1, ये आएगा x पावर माइनस n, और ये जो x पावर n प्लस 2r इसको ऐसे लिख देते हैं, देन ये आएगा n प्लस 2r, देन ये x पावर माइनस n है और ये x पावर n है, तो दोनों पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आएगा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 पावर r, तो ये आएगा आपके पास x पावर 2r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस आर प्लस 1, और ये आएगा 2 पावर n प्लस 2r। देन स्टूडेंट हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों तरफ इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ दिस देन d बाई डी एक्स। सो स्टूडेंट d बाई डी एक्स करेंगे तो ये आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x पावर माइनस n जे एन एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस x का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये आएगा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 पावर r, और ये आएगा आपके पास 2r x पावर 2r माइनस 1 अपॉन r फैक्टोरियल देन गामा n प्लस r प्लस 1 इंटू यहाँ पे ये x पावर ये रहेगा, देन ये आएगा 2 पावर n प्लस 2r आएगा। देन स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके इधर लिखता हूँ, तो ये आएगा आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ j x पावर माइनस n जे एन एक्स इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 पावर r अपॉन यहाँ पे ये आएगा r फैक्टोरियल, पर स्टूडेंट ये जो r है ये r है और यहाँ पे r फैक्टोरियल, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। आपको मैं बता दूँ कि अगर आपके पास 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना, एक कम कर दिया और 3 फैक्टोरियल, तो इसको इसी टाइप से ये r फैक्टोरियल इसको हम लिख सकते हैं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये यहाँ पे 2r है और ये आपके पास x पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2r माइनस 1 अपॉन 2 पावर n प्लस 2r, और ये 2 ये नीचे आएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो मैं इसको ले लिया इस तरह से। देन हम क्या करेंगे, ये r से ये r क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल, और यहाँ पे आएगा n प्लस r प्लस 1 आएगा, राइट। अब स्टूडेंट हम आगे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, पर आपको जो प्रूफ में क्या चाहिए, x पावर माइनस n चाहिए, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे मिल नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे x पावर माइनस n क्या और x पावर प्लस n क्या, तो अल्टीमेटली कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो x पावर 0 हो जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और ये आएगा 2r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल गामा
n plus r plus 1 और यहाँ पे आपके पास है 2 power n plus 2 r minus 1. स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो x power minus n है ये बाहर चाहिए क्योंकि प्रूफ में हमें बाहर चाहिए, तो x power minus n बाहर निकालेंगे. r is equal to 0 to infinity है ना, minus 1 power r upon r minus 1 factorial है ना. Now अब क्या होगा स्टूडेंट, ये x power n से ऐड होगा है ना, ये लिख दिया गामा n plus r plus 1 और ये आएगा आपके पास x power n plus 2r minus 1 upon 2 power n plus 2r minus 1. अब आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको r की जगह क्या चाहिए, यहाँ पे r minus 1 और n की जगह आपको n plus 1 चाहिए, तो थोड़ा सा आपको इसको सेट करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, r is equal to 0 to infinity, चूँकि यहाँ पे r minus 1 factorial तो सब जगह r minus 1 चाहिएगा, तो ये r minus 1 है, तो स्टूडेंट मैं इसको लिखूंगा r minus 1 factorial, ये माइनस है तो मैं एक माइनस बाहर निकाल देता हूँ, तो ये मैं लिख सकता हूँ r minus 1 गामा, जहाँ पर n है वहाँ पे आपको n प्लस 1 चाहिए, तो r की जगह क्या लिखेंगे r माइनस 1. अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करने पर वापस ये कही आएगा, बिल्कुल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं. एंड यहाँ पे x की जगह आपको क्या चाहिए, देखो ये x बाई 2 सेम पावर है, पावर में ले लीजिए आप है ना. देन आपको यहाँ पे n की जगह n प्लस 1 चाहिए और r की जगह r माइनस 1 चाहिए, तो ऐसा लिख दीजिए आप. अगर आपको सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो अगेन यही आएगा, देखो n प्लस 2 माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस 1, बिल्कुल आप इसको ऐसा लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट हम जानते हैं ये जो फार्मूला होता है ये किसका फार्मूला होता है, जे एन प्लस 1 एक्स का फार्मूला होता है. मैं आपको बता दूं जे एन एक्स का फार्मूला ये होता है, आर से कोई लेन देन नहीं है, अल्टीमेटली आर एक जैसा होना चाहिए, बाकी यहाँ पे अल्टीमेटली जो फार्मूला होता है एन पे डिपेंड करता है. एन यहाँ पे एन है तो एन आएगा, अगर एन यहाँ पे एन माइनस 1 है तो एन माइनस 1 आएगा, एन यहाँ पे एन प्लस 1 है तो एन प्लस 1 आएगा. तो इस तरह से यहाँ पे सब जगह एन की जगह क्या आ रहा है, एन प्लस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे जो प्रूफ आएगा वो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस एन जे एन एक्स का जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस रिकरेंस रिलेशन को प्रूव करते हैं. तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो रिकरेंस रिलेशन है वो मैं अगले वीडियो में आपके सामने लेने वाला हूँ बेसल फंक्शन के, फिर अपन बाद में चलेंगे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी के ऊपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, बने रहिए मेरे साथ, आगे और भी बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ. और जो लास्ट मेरी स्क्रीन आ रही है इस पे मेरी जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पे मेरे और भी पुराने वीडियोज आप देख सकते हैं. लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कमेंट जरूर करें. थैंक यू.